एक्सिस बैंक में सरकार बेचेगी अपनी हिस्सेदारी, जुटाएगी 4,000 करोड़ रुपए। ये शेयर ऑफर फॉर सेल रूट के जरिए बेचे जाएंगे। ऑफर फॉर सेल गैर रिटेल निवेशकों के लिए बुधवार को खुलेगा, जबकि रिटेल निवेशकों के लिए यह बृहस्पतिवार को खुलेगा। केंद्र सरकार एक्सिस बैंक के अपने 5,80,00,000 शेयर बेचने जा रही है। स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी SUUTI के जरिए बेचे जाने वाले इन शेयरों की कीमत 4,000 करोड़ रुपए है। ये शेयर ऑफर फॉर सेल रूट के जरिए बेचे जाएंगे। ऑफर फॉर सेल गैर रिटेल निवेशकों के लिए बुधवार को खुलेगा, जबकि रिटेल निवेशकों के लिए बृहस्पतिवार को खुलेगा। इस ऑफर का बस बेस साइज 3.6 करोड़ है, जिसकी वैल्यू 2450 करोड़ रुपए होगी। यह बैंक के कुल शेयर का 1.2% है। इस बैंक में प्रोमोटर की हिस्सेदारी 51.43% है। LIC के पास 8.19% हिस्सेदारी है। एक्सिस बैंक पहले UTI बैंक था और 2000 में इसका विभाजन हुआ था। सरकार 3.6 करोड़ शेयर या 1.21% हिस्सेदारी, 2.2 करोड़ शेयरों या 0.74% हिस्सेदारी के ग्रीन शू ऑप्शन में साथ बेचेगी। इनकी फ्लोर कीमत 680 रुपये प्रति शेयर होगी। इस खबर के बाद एक्सिस बैंक ने शेयर मंगलवार को बढ़ाकर 711.90 रुपये पर पहुँच गए। 31 दिसंबर 2018 को एक्सिस बैंक में SUTTI के 9.56% शेयर थे। 31 मार्च 2021 को ये घटकर 3.45% हो गए थे। कई ब्रोकरेज हाउस ने एक्सिस बैंक के शेयर में बढ़त का अनुमान जारी किया है। शेयर का वैल्यूएशन सस्ता है और इसलिए ये आकर्षक नजर आ रहा है। हाल के दिनों में बैंक ने अपने कारोबार में अच्छी बढ़त हासिल की है। विश्लेषकों का मानना है कि निजी क्षेत्र के बैंकों में एक्सिस बैंक का भविष्य का प्रदर्शन अच्छा रहने वाला है। जुड़े रहें क्रैक न्यूज़।